अमरोहा के चोटीपुरा स्थित श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में 7 दिवसीय संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया है। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान दिल्ली के अध्यक्ष डॉ चांद किरण सलूजा ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए संस्कृत के महत्व एवं गौरव पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही प्रतिष्ठान के कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मी नरसिम्हन एनसीईआरटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ पारुल सिंह, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आचार्य डॉ विजय पाल प्रचेता ने अपने उद्बोधन के माध्यम से संस्कृत की पुनः प्रतिष्ठापना के प्रयासों के विषय में अपने उपयोगी एवं प्रेरक विचार रखे। सभी ने बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया तथा संस्कृत के क्षेत्र में गुरुकुल में होने वाली गतिविधियों और उपलब्धियों की प्रशंसा की। छात्राओं ने संस्कृत में अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अमरोहा में संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है और ये संस्कृत सप्ताह संपूर्ण विश्व में संस्कृत प्रेमियों के द्वारा मनाया जाता है। उसी संदर्भ में यहाँ पर भी संस्कृत सप्ताह का आरंभ हुआ। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आए और उन विद्वानों ने संस्कृत के संवर्धन के लिए सभी बालिकाओं को बहुत महत्वपूर्ण बिंदु प्रदान किए। संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं और ये वास्तव में देवताओं की भाषा है और इसको वेदवाणी भी कहते हैं। वेद संस्कृत में ही लिखे हुए थे, उसके पश्चात तो वेद के व्याख्या ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन आदि सब संस्कृत में लिखे गए हैं। बहुत बड़ा साहित्य संस्कृत में मिलता है और संस्कृत एक इतनी परिष्कृत और शुद्ध भाषा है, ऐसा लगता है कई बार तो कि जो संस्कृत भाषा को पूर्णतः जान लेते हैं और उसका मनन भी करते हैं, उसके माध्यम से जीवन के साहित्य को पढ़ते हैं, उनका जीवन भी परिष्कृत हो जाता है।